नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अखिलेश के समाजवादी खेमे में बगावत का ऐसा तूफान उठा है जिसने साइकिल के पुर्जे अलग करने शुरू कर दिए। ये बगावत का वो बुलडोजर है जो अखिलेश यादव पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि आजम खान के समर्थन में इस्तीफों की लाइन लग गई है। आज भी दो इस्तीफे हुए, दोनों ही नेता आजम खान के समर्थक हैं। आजम खान ऐसे नेता हैं जो अगर सपा छोड़कर चले गए तो समाजवादी पार्टी की नींव हिल जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस वोट बैंक पर पकड़ रखती है, आजम उसके सर्वोच्च नेता माने जाते हैं। और आजम के समर्थकों के इस्तीफे ये संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही रामपुर से सबसे बड़ी खबर आने वाली है। सपा में बढ़ने लगी बगावत वाली आग। चुनाव में लगातार हार, अखिलेश से अपनों की तकरार। समाजवाद की साइकिल पर घरेलू बुलडोजर। रामपुर से निकले शोले, अखिलेश पर जुबानी गोले। शिव तांडव का क्लाइमेक्स बाकी, मुस्लिम नेताओं की बगावत वाली झांकी। चौबीस में चुनौती वाला संदेश, अब क्या करेंगे अखिलेश? सलमान राय ने आजम खान के समर्थन में इस्तीफा दिया है। ये जो बातें आज हो रही है, दो महीने पहले क्यों नहीं हुई? मुलायम के हाथ से निकली बात छूटता जा रहा अपनों का साथ। तक माननीय मुलायम सिंह यादव थे, तब तक समाजवादी थे। आज असली समाजवाद मोदी का पास है, योगी के पास है। बगावत के बुलडोजर से पुर्जा पुर्जा साइकिल। मुलायम सिंह यादव ने जब समाजवादी पार्टी बनाई थी, तब से पार्टी ने सिर्फ ऊंचाइयां देखी, लेकिन जब अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष बने, तब से सिर्फ और सिर्फ हार का स्वाद ही चखा। 2016 में जब फूट पड़ी, तब भी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था और एक बार फिर वैसी ही स्थिति नजर आ रही थी। फर्क इतना है कि तब शिवपाल के साथ कई वरिष्ठ नेता खफा थे और इस बार मुस्लिम नेताओं ने अखिलेश के खिलाफ गोलबंदी तेज कर दी। इस गोलबंदी के केंद्र में आजम खान है, जो कभी भी बड़ा फैसला ले सकते। तीस साल पुरानी समाजवादी पार्टी इस वक्त सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। विधानसभा चुनाव में भले ही सपा का वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ गई हों, लेकिन जिनकी बदौलत सपा की साइकिल रफ्तार भरती थी, वही पुर्जे अब एक के कर अलग होते जा रहे हैं। बगावत वाले चैप्टर में नया नाम जुड़ा, मोहम्मद इरशाद खान का। दरअसल सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे इरशाद खान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाया। इरशाद खान ने कहा कि मुसलमान हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहा, लेकिन उसे सत्ता और संगठन में भागीदारी नहीं मिल पाई। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव हारने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठी है, ऐसे में मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए नए सिरे से लामबंदी की जाएगी। ये रवैया उत्तर प्रदेश के मुसलमान हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में ये फड़वा रखा हुआ है, समाजवादी पार्टी की कब्र खोदने का काम उत्तर प्रदेश के मुसलमान करेंगे। जितने भी मुस्लिम नेता सपा का साथ छोड़ रहे हैं, सबका निशाना सीधे अखिलेश यादव पर है। और बगावत की ये चिंगारी लगी थी रामपुर के सपा दफ्तर से, जहां आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने अखिलेश पर चुभने वाले हमले किए थे।
उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अखिलेश नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर निकले। क्या ये मान लिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है क्या अखिलेश यादव जी आप नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर, क्या ये मान लिया था? रामपुर से निकली बगावत वाली आवाज में पहले सुल्तानपुर के सलमान रायन ने समर्थन दिया और उसके बाद दो बार के विधायक रहे इरशाद खान ने भी आवाज बुलंद कर दी। ये झटके अभी थमे नहीं थे कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख खुदादाद खान ने भी बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और सपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हर मुस्लिम नेता की शिकायत सिर्फ एक है, अखिलेश मुस्लिमों की आवाज नहीं उठा रहे। एक पार्टी में एक नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप, नेता भी आप, मुख्यमंत्री भी आप, नेता सदन भी आप। हमारी ये एक कोशिश थी कि शायद हो सकता है कि आजम साहब को ये नेता सदन बनाए, लेकिन नेता सदन बनाना तो दूर की बात, आपने नेता सदन होने में सदन में उनका एक बार नाम भी नहीं लिया। सपा के मुस्लिम नेताओं के दफ्तर में तीन नेताओं की तस्वीर जरूर देखी जाती है, पहली मुलायम सिंह यादव की, दूसरी अखिलेश यादव की और तीसरी आजम खान की। लेकिन अब कुछ मुस्लिम नेता अपने दफ्तर से अखिलेश की तस्वीर उतारने लगे हैं। उन्हें मुलायम से तो पूरी हमदर्दी है, लेकिन अखिलेश की रणनीति पर एतबार नहीं हो रहा। देखिए भाई, फावड़ा भी रखा हुआ है और अखिलेश यादव की फोटो भी उतार दी है, लेकिन नेताजी और आजम खान साहब की फोटो लगी हुई है, तो इतना पुराना रिश्ता था आपका समाजवादी पार्टी से? मैं समाजवादी पार्टी में बहुत पुराना सदस्य हूँ, नेताजी के टाइम से सदस्य था, फिर बाद में मैं बसपा में चला गया था। बसपा में मैं दो बार सरोजनी नगर से एमएलए रहा और एमएलए रहने के बाद मैं फिर समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव जी ने जब बुलाया तो मैं फिर समाजवादी पार्टी में आ गया और उन्होंने टिकट भी मुझको नहीं दिया। 22 के चुनाव में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया था, मैं बांगर में उसे टिकट मांग रहा था, वहीं से मैं लड़ भी चुका हूँ, तो वहाँ ऐसे आदमी को टिकट दिया जो खाली एक्सप्रेसवे पे खड़े होकर ऊपर उनके आने जाने पे झंडा हिलाता। बगावत की आवाज उठाने वाले ये वही इरशाद खान हैं जिनके घर कुछ दिन पहले शादी समारोह था और अखिलेश यादव भी शरीक हुए थे। इससे पता चलता है कि इरशाद सपा के कितने बड़े नेता थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक बहा दिया। अगर आजम खान साहब की इज्जत समाजवादी पार्टी में नहीं हो सकती तो उत्तर प्रदेश के आम मुसलमानों को न्याय मिलने की उम्मीद अब मुसलमानों को बची नहीं है। मुसलमान अखिलेश यादव से अपना मोह भंग कर चुके हैं और उन पर से अपना भरोसा उठा चुके हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं जिनके नसीब में मुख्यमंत्री का पद तो रहा, लेकिन अपनी बदौलत वो पार्टी को अब तक जीत नहीं दिला पाए। चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2017 का, चाहे 2019 का या चाहे 2022 का, बैक टू बैक अखिलेश चुनाव हार रहे हैं और अब पार्टी के गिरते एक एक स्तंभ उनकी चुनौती को और बड़ा कर रहे हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश यादव के सामने इस वक्त दो बड़े संकट हैं। पहला संकट यादव वोटर्स का, जिसमें भाजपा रह रहकर सेंधमारी कर रही है, और दूसरा संकट है मुस्लिम वोटर्स का, जो सपा की सबसे बड़ी मुसीबत है। अगर ये दोनों संकट बढ़ते गए तो सपा के आने वाले दिन और भी बुरे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार MY समीकरण है। M मतलब मुसलमान और Y मतलब यादव, ये दोनों फैक्टर ही है अब सपा को चुभने वाला संदेश भी ये दे रहे हैं। आजम खान के नाम पर शुरू हुई बगावत बड़ी पिक्चर में बदलती जा रही है। आवाज ने सपा के मुस्लिम नेताओं के दर्द को हरा कर दिया है। इस एक आवाज की वजह से सपा में
इस्तीफे वाली चिट्ठियां आनी तेज हो गई हैं। ये आवाज भले ही किसी और की जुबान से निकली हो, लेकिन ये आवाज थी आजम खान की, जो पिछले 2 साल से जेल में बंद है। क्या ये माननीय सर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, क्या अखिलेश यादव जी आप नहीं जानते क्या आजम खान ने कहा? क्या ये माननीय सर? रामपुर के इन्हीं सियासी शोलों ने समाजवाद के खेमे में तूफान खड़ा कर दिया है। आजम खान अगर सपा से गए तो इस्तीफों की छड़ी लग जाएगी, और इरशाद खान ने सपा मुख्यालय पर इस्तीफे वाली चिट्ठी भेजकर इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। बाहर उनको इतना वोट देने का काम किया है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेके और 2022 के चुनाव तक आज तक मुसलमानों ने इतनी भारी संख्या में उनको वोट नहीं दिया जितना इस बार उनको देने का काम किया। लेकिन बदले में वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमारे नेता को एक धरना प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया, उनसे मिलने तलक नहीं गए, चुनाव के बाद भी मिलने नहीं गए, चुनाव से पहले भी नहीं मिला। आजम खान के परिवार ने अभी तक सपा से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन दूरी ऐसी पैदा हो चुकी है जो इस्तीफे से कम नहीं लगती। इतना बड़ा बवाल हो गया, लेकिन आजम की पत्नी तंजीम फातिमा भी चुप रही और आजम के बेटे अब्दुल्ला भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि सवाल सिर्फ आजम का नहीं पूरे मुस्लिम वर्ग का है, जिसकी रहनुमाई का दावा पहले मुलायम किया करते थे और अखिलेश पर इसी मुस्लिम वर्ग की उपेक्षा के आरोप लग रहे हैं। दर्द तो ये भी है कि अखिलेश ने न तो सरकार में मुस्लिम नेता को बड़ा पद दिया और संगठन में भी हिस्सेदारी नहीं मिली। यही दर्द अब खुलकर जुबान पर आने लगा है। हमने आपको और आपके वाले सब को क्या ये मान का प्रतिनिधि बनाया, आप इतना बड़ा दिन नहीं कर सके कि आजम खान साहब को लेकर विपक्ष बना देते। हमारे वोटों से 111 सीटें आई है, आपकी शादी नहीं होती। मुस्लिम नेताओं की नाराजगी की एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं, और यही वजह बगावत की आग उठा रही है। दरअसल 2017 के बाद से आजम खान का बुरा दौर शुरू हुआ। आरोप लगे कि अखिलेश चुप रहे। आजम की गिरफ्तारी का भी बढ़ चढ़कर विरोध नहीं किया गया। अखिलेश ने सिर्फ एक बार जेल जाकर आजम से मुलाकात की। 2022 के चुनाव में जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई तो आजम के परिवार से कोई नहीं था। स्टार प्रचारकों में पूर्व सांसद जावेद अली खान को जगह दी गई, जो आजम परिवार को चुभने वाला था। आजम खान के करीबियों को अखिलेश ने चुनाव में टिकट तक नहीं दिया। समर्थक चाहते थे कि आजम खान को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। दफ्तर से अखिलेश की तस्वीर हटाने वाले नेता कई और मुद्दों पर भी नाराज हैं। सिर्फ आजम ही वजह नहीं, कई दूसरे मुस्लिम नेताओं के मामले में भी अखिलेश की चुप्पी मुस्लिम नेताओं को परेशान कर रही। सुल्तानपुर की लंबुआ सीट के सचिव सलमान ने इस्तीफे वाली जो चिट्ठी लिखी थी उसमें आरोप लगाया कि मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा और सपा के पदाधिकारी और नेता आवाज नहीं उठा रहे। चिट्ठी में सपा के पदाधिकारियों और नेताओं को सत्ता की मलाई खाने वाला लिखा गया। सलमान ने यह भी लिखा था, जब आजम खान को परिवार के साथ जेल में डाला गया तो अखिलेश चुप रहे, जब नाहिद हसन को जेल भेजा गया तो अखिलेश यादव चुप रहे, और जब शहजील इस्लाम का पेट्रोल पंप गिराया गया तब भी अखिलेश चुप रहे। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश मुस्लिम नेताओं की नाराजगी झेल रहे। 2017 में जब चुनाव हारकर अखिलेश मुख्यमंत्री की गद्दी से उतरे थे तो कुछ समय बाद ही एक साथ 26 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। सभी ने पार्टी में उपेक्षा का आरोप लगाया था, और अब फिर वही चुनौती अखिलेश के सामने खड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये तो था मुस्लिम वोटर्स वाला संकट। अब बात करते हैं यादव वोटर्स वाली सेंधमारी की, जो भाजपा पिछले कई दिनों से कर रही है। पिछले एक साल में भाजपा ने मुलायम परिवार के कई चेहरों को भगवा रंग में रंग दिया। ये चेहरे न सिर्फ भाजपा के साथ खड़े हैं बल्कि अखिलेश पर सीधा हमला भी बोल रहे हैं। अपर्णा यादव ने एक ऐसा ही बयान दिया है जो अखिलेश को चुभने वाला है। समाजवादी पार्टी कभी उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर हुआ करती थी, लेकिन तब दौर अलग था, तब नेता अलग थे और तब संगठन का ढांचा अलग था। पिछले एक दशक में समाजवादी पार्टी का पूरा ढांचा बदल चुका है। लगातार चुनाव में मिलती हार और अपनों के छूटते साथ में
सपा की साइकिल की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। न सिर्फ पार्टी के नेता बल्कि मुलायम परिवार के भी कई सदस्य इस वक्त सपा के साथ नहीं। मुलायम परिवार के जितने भी सदस्यों ने साइकिल का साथ छोड़ा सब भाजपा के साथ चले गए। इसमें अब तक सबसे बड़ा नाम अपर्णा यादव का है। 13 जनवरी को मुलायम के समधी हरिओम यादव भाजपा में शामिल हुए थे। 19 जनवरी को मुलायम की बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई थी। 20 जनवरी को मुलायम के साढ़ू प्रमोद गुप्ता भाजपा में शामिल हो गए थे और पंचायत चुनाव से पहले मुलायम की भतीजी और धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव भाजपा में शामिल हुई थी। और अब सबकी निगाहें शिवपाल यादव पर हैं। वो पार्टी तो अलग बना चुके हैं लेकिन भाजपा नेताओं से बढ़ती उनकी नजदीकी कई अनुमानों को जन्म दे रही है। सर, आज संगठन आपने सब खत्म कर दिया पूरे तरीके से, तो एक चर्चा का विषय बन गया कि आप नया गठन करेंगे बहुत जल्दी। ठीक, जो कभी सबसे ज्यादा करीबी हुआ करते थे वही आज सबसे बड़े बागी बन गए हैं। अपर्णा यादव ने औरैया में एक ऐसा बयान दिया जिसकी चुभन अखिलेश को हो रही हो। बार बार जब चुनाव कर रहे थे उस समय मैंने हाथ डाल के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, तो उन्होंने बोला था कि सन्यासी को पट भेजने की तैयारी करनी है। तो अब मैं बता दूं कि प्रचंड बहुमत की जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसके जो मुख्यमंत्री है हमारे गौरवशाली प्रदेश के नेता श्री मुख्यमंत्री श्री योगी जी, उन सभी लोगों पर नट बजाने का काम करेंगे। मुलायम परिवार के सदस्यों का गुस्सा भी फूटता है तो सिर्फ अखिलेश पर। चुभने वाले बयान भी अगर आते हैं तो सिर्फ अखिलेश पर। अब ये अखिलेश ही बताएंगे कि आखिर सबको उनसे ही दिक्कत क्यों है। आखिर क्यों उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद घर और पार्टी दोनों जगह फूट पड़ गए। अखिलेश इस वक्त ऐसे कुंड में घिरे हैं जहाँ से उन पर अपने और विरोधियों दोनों के हमले हो रहे हैं। तब तक समाजवादी, आज असली समाजवाद मोदी का पास है, योगी के पास है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मुलायम सिंह यादव की राजनीति अलग थी और अखिलेश यादव की राजनीति अलग है। हालांकि ये बात भी सच है कि जब आदमी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ता है तो इस लड़ाई में बहुत से लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं और अखिलेश के साथ ये वक्त बिल्कुल वैसा ही है। अब आने वाली परीक्षा 2024 की है। अगर अखिलेश को विरोध और बगावत की आवाज को कुचलना है तो इस लड़ाई को फतेह करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं लाउडस्पीकर के लड़ैया की। अजान वाला विवाद हनुमान चालीसा पर आ गया है। आज हनुमान जयंती थी, जगह जगह पूजा पाठ हुआ लेकिन असली लड़ाई लाउडस्पीकर वाली दिखाई दी। ये विवाद इतना गर्म हो गया कि यूपी के शहर शहर में मंदिरों के ऊपर लाउडस्पीकर तान दिए गए। दिन में 6 बार हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा। स्कूल कॉलेज में छात्र नेता भी पढ़ाई का मुद्दा छोड़कर लाउडस्पीकर वाले मुद्दे पर कूद गए। विवादों के लाउडस्पीकर पर शहर शहर मचा शोर। अजान से शुरू हुई लड़ाई हनुमान चालीसा पर आई। अब मुद्दा लाउडस्पीकर नहीं बचा, अब तो धर्म मुद्दा हो गया है। और धर्म वाला ये मुद्दा ऐसा मुद्दा बन चुका है कि इसका शोर यूपी के शहर शहर में सुनाई दे रहा। हनुमान जयंती पर मंदिरों में तो भीड़ थी ही, लेकिन हनुमान जयंती से एक नई हुंकार भी भरी गई। लाउडस्पीकर वाला विवाद अब स्कूल कॉलेज तक पहुंचने लगा है। वाराणसी में छात्र नेताओं ने दिन में 6 बार हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया है, वो भी लाउडस्पीकर से। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में वैसे तो पढ़ाई होती है लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करके नया भविष्य तैयार किया जाएगा। हनुमान जयंती से इसकी शुरुआत भी हो गई। इस शुभ अवसर पर हम सभी जो है छात्र यहाँ के उदय प्रताप कॉलेज के, हम लोगों ने आज ये सोचा कि आज के दिन से एक नई शुरुआत की जाए और हनुमान चालीसा का पाठ हम लोग 6 टाइम यहाँ पे करेंगे। हम लोग को अजान की आवाज़ें
बिल्कुल हम लोग के दिमाग में जो रहती थी वो घर कर जाती थी। तो हम लोगों ने कई बार प्रशासन से मांग भी किया कि इसको बंद कराया जाए, जब बंद ना हो सका तो हम लोग भी अब छः पहर जब जब अजान होगा तब तब हम लोग छः पहर हनुमान चालीसा को पढ़ के अपने सौहार्द को बढ़ाएंगे। विवाद का भोंपू शहर शहर बज रहा। कानपुर में भी हनुमान जयंती पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। कुछ लोगों ने सुबह 6 बजे से ही लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। पूछने पर बताया अभी तक अजान सुनकर उठते थे, अब लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा सुनाकर लोगों को उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के चौक चौराहे पर अब यही दृश्य देखने को मिल रहा है कि सभी लोग जुट रहे हैं और लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कानपुर के बरखंडेश्वर चौराहे की यह तस्वीर आपको दिखाई है और विधि विधान से हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। कई हिंदूवादी संगठन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इसी तरह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए कर रहे हैं कि जो मस्जिदों से 4 बार 5 बार जो है सुबह से शाम तक जो है हर समय जो है वो अल्लाह अकबर चिल्लाते हैं, तो हम लोग भी अगर मान लो अपना प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कैसे उनकी समझ में आएगा। भाई हम लोग सुबह सुबह घर में सोते हैं, छत में तो सुबह सुबह ही प्रातःकाल अजान हम लोगों को सुनाई देती थी तो हम लोग उठ जाते थे, लेकिन अब हम लोगों ने सोचा कि सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ चालू करें अपने क्षेत्रों में। बिल्कुल प्रतिदिन करने जा रहे हैं क्योंकि सुबह 4, 4:30, 5 बजे जब हम लोग उठते हैं तो अजान की आवाज़ सुनाई देती है और ये 365 दिन का हो गया है और कई सालों से चलता आ रहा है, तो वातावरण में शुद्धि रहे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, सुबह सुबह वीर बजरंगी का नाम सुनके हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। लाउड स्पीकर को लेकर छिड़ी चर्चा के बीच मथुरा में पुलिस ने मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को बंद करवा दिया। गोवर्धन इलाके में कुछ संगठनों ने मस्जिद में लाउड स्पीकर बजाने पर वहां हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी दी थी। इसी के बाद मथुरा प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को बंद करवा दिया। आज रात्रि में तो गोवर्धन पुलिस गई थी मस्जिद में, उन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर बंद कर लें, हालांकि हमारे पास जिला प्रशासन से अनुमति है लाउड स्पीकर नियम समय पर बजाने की, लेकिन फिर भी सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे हमने बंद करा दिए रात को। धर्म के आधार पर छिड़ा युद्ध हमेशा दर्द के साथ खत्म होता है, लेकिन अफसोस ये बात जानने वाले भी इस युद्ध को आगे बढ़ा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लाउड स्पीकर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और अब सियासत की भी इस मुद्दे में सीधी एंट्री हो चुकी है। राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने 85 बनाम 15 वाली बात का जिक्र किया तो सपा विधायक ने भाजपा पर राजनीति के आरोप लगाए। इस बीच हिंदू संगठन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कुल मिलाकर ये मुद्दा अब राजनीति में हाथ में आ चुका है और आने वाले दिनों में विवाद और बढ़ सकता है। देश में इस वक्त दो आवाजें सबसे ज्यादा चर्चित हैं, एक है अजान की और एक हनुमान चालीसा का पाठ। दोनों आवाजें धर्म से जुड़ी हैं, लेकिन अब इन्हीं आवाजों पर सियासत तेज हो गई है। लाउड स्पीकर के मुद्दे को राजनीति ने घसीट लिया और सियासी दल एक दूसरे पर हमला करने लगे। यूपी सरकार के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने इस लड़ाई को 85 बनाम 15 का नाम दिया, यहाँ तक कह दिया देश में कुछ लोग लोकतंत्र का दुरुपयोग करते हैं। देखिए 85% बनाम 15% का मामला है, इसलिए लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए। 1925 से पहले लाउड स्पीकर की कोई खोज खबर थी नहीं और 1930 में वो चल के लाउड स्पीकर बना, इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ लाउड स्पीकर की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। रघुराज सिंह उसी अलीगढ़ की जमीन से खड़े होकर 85 बनाम 15 वाली बात कह रहे थे, जहाँ हिंदू संगठन ने 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा के पाठ की अनुमति मांगी थी। अब इस मांग को राज्य मंत्री का समर्थन मिल गया है। रघुराज सिंह ने कहा या तो प्रशासन लाउड स्पीकर की अनुमति दे या तो सभी लाउड स्पीकर बंद कर दिए जाएं।
उनके पंथ में लेकर कहीं कुरान में लिख रहा है क्या लाउड स्पीकर बजाओ? कहीं कुरान में नहीं लिख रहा कि लाउड स्पीकर बजाया जाए। ये किसने कह दिया? जबरदस्ती कोई कानून नहीं बनाना चाहिए और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट का हम सबको पालन करना चाहिए। 2005 का आदेश है कि लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए और होने चाहिए, पूरे देश में बंद होने चाहिए। केवल वोट के आधारित जो नेता लोग काम करते हैं और वह देश का नुकसान कर रहे हैं। एक तरफ से हिंदू संगठन के लोग मोर्चा खोल रहे हैं तो दूसरी तरफ से सत्ताधारी भाजपा के बड़े नेता। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घसीट लिया। ये मुल्ला मौलवी तो मान जाते, लेकिन दुर्भाग्य है भारत का जो सेकुलर गैंग है राहुल गांधी के नेतृत्व में, उनके कारण से इनकी इतनी हिम्मत है कि वो कहते हैं कि हम किसी भी हालत में अपने भौंगे नहीं हटाएंगे। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से हिंदू समाज की ओर से प्रतिक्रिया आती है और वो प्रतिक्रिया आती है जो कानून है वो सबके लिए है, सबके ऊपर बराबर रूप से लागू होना चाहिए। कोई मुसलमान है इसलिए उसको विशेष अधिकार मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर अब खुलकर सियासत होने लगी है। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने पूछा, अगर हनुमान चालीसा देश में नहीं पढ़ा जाएगा तो फिर कहाँ पढ़ा जाएगा? अपनी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, जो लोग अजान पढ़ते हैं उसमें वो कानून की अवहेलना करते हैं। उन्हें जिसने जितना वो लाउड स्पीकर की आवाज़ लेना चाहिए उससे अधिक होती है तो गलत है। तो जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हिंदुओं का देते हैं, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाएगी तो क्या पढ़ी जाएगी? धर्म के पिच पर सियासी बैटिंग भाजपा कई बरसों से कर रही और विपक्ष को इसी दाव से चित भी करती है। देखिए, आप वो लोगों को ज्यादा दिखाते हैं जो पढ़े लिखे कम है, जिनको खुद अपने धर्म अपने मजहब अपने समाज के बारे में जानकारी कम है। कहाँ मना करा है? आपको अच्छा लगता है आप करिए, कहीं मना नहीं है। योगी बाबा ने मना करा हो या हमारे अखिलेश जी ने मना करा हो, जब तो आप कहिए इसमें राजनीति घुस रही है, किसी ने मना नहीं करा। आप बिल्कुल करिए, एक बार नहीं 10 बार करिए, कौन मना कर रहा है? पर हाँ, कोई ऐसा काम नहीं हो जिससे किसी को तकलीफ हो। अगर किसी को तकलीफ हो रही तो वो इंसानियत की हनन है, इंसानियत की हत्या है और यही समाज को देख के चलना चाहिए। इस देश ने धर्म के मुद्दे पर कई विवाद देखे, अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा उसी विवाद के आगे की कड़ी है। कुछ दिनों बाद ये मुद्दा भी शांत हो जाएगा, लेकिन इतने दिनों में एक नई खाई भी पैदा कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।